बड़वानी शिक्षकों की कमी के बीच विद्यार्थियों का शिक्षण सत्र शुरू। 50% छात्र छात्राओं ने पढ़ाई शुरू। जवाबदार बोले, अभी जितना स्टाफ है उससे चला रहे काम। बड़वानी जिले में 70 हायर सेकेंडरी और 90 हाई स्कूल जिनमें शिक्षण सत्र शुरू किया जा चुका। स्कूल में 50% से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आने भी लगे और संख्या हर दिन बढ़ती जा रही, लेकिन शिक्षक जो थे वही है। जिले में कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके शिक्षक नहीं है, ऐसे में अतिथि शिक्षक ही इनका विकल्प थे, लेकिन कोरोना काल के बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे भी छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर भी चिंता नजर आ रही। हालांकि स्कूल प्राचार्य कहते हैं छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बाद अतिथि शिक्षकों की मांग नजर आ रही है, जिसको लेकर निर्देश मिले हैं भर्ती की जाए, जिसके बाद पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इस मामले में सहायक आयुक्त विवेक पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो स्टाफ है उसी के माध्यम से पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल कोई निर्देश नहीं है। बाकी बच्चों को ऑनलाइन भी क्लासेस दी जा रही है। अब ऐसे में सोचने वाली बात है, अगर सब्जेक्ट के शिक्षक ही नहीं तो बच्चों की पढ़ाई किस तरह होगी और रिजल्ट क्या होगा। कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, क्या स्थिति है अभी बच्चों को? बच्चे आ रहे हैं और लगभग अब 50% तक के बच्चे आने लग गए हैं। थोड़े जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वो ही थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि वो ऑनलाइन के माध्यम से जो है जितना कोर्स कवर कर सकें उतना कवर कर सकें, और आवागमन के साधन यदि उपलब्ध हैं, बसें चल रही है, और यदि वो आते हैं लेकिन वो कम सीमित संख्या में आ पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों की। अभी क्या संख्या हो गई? अभी लगभग 50% से अधिक बच्चे जो सभी क्लासेस में आ रहे हैं। सर, विषयों के हिसाब से शिक्षकों की कमी? हाँ, विषयों के हिसाब से शिक्षकों की कमी है। वर्ग एक में होम साइंस का लेक्चरर की कमी है, फिर हिंदी की कमी है, इसके अलावा रसायन शास्त्र का कोई टीचर नहीं है, इसी के अलावा गणित का कोई शिक्षक नहीं है। ऐसी स्थिति में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों से निवेदन किया था कि वे ऑनररी हमारे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें, तो 1 दिसंबर से वे लोग आ रहे थे यहाँ पे, और अब चूंकि आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय ने अतिथि शिक्षक को रखने की अनुमति प्रदान कर दी है, इसलिए उनकी भी जो है नियमित उपस्थिति होने से कम जो वो जो हमारे कर्मचारी आ रहे थे जो ऑनरेरी पढ़ा रहे थे, अब वो कम से कम नियमित रूप से वो स्कूल में पढ़ाएंगे। वैसे तो वो 15-20 रोज़ पहले से ही पढ़ा रहे थे, वो हमारे निवेदन पे वो आने लग गए थे, और इसी की वजह से बच्चों की संख्या भी बढ़ गई। शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है जी, क्या स्थिति है बच्चों की? अभी कितने बच्चे आ रहे हैं? लगभग आधे बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ रहे हैं। स्कूल की क्षमता जो है वो कक्षा 9 से 12वीं तक जो है 504 बच्चे दर्ज हैं, और लगभग 250 बच्चे जो हैं वो स्कूल में अभी आ रहे हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं जो है वो प्रथम 3 दिवस लगाई जा रही है सप्ताह में, हमारे पास जो उपलब्ध कमरे हैं व्यवस्था है उस हिसाब से, और कक्षा 10वीं और 12वीं जो बोर्ड कक्षाएँ उनको सप्ताह में हर दिन जो है नियमित रूप से अध्यापन के लिए बुलाया जा रहा है उनको। शिक्षकों की क्या स्थिति है? पर्याप्त शिक्षक हैं? वर्तमान में 13 शिक्षक हैं अभी, और शासन ने जो है आज से अतिथि शिक्षकों को रखने के भी आदेश जारी कर दिए हैं, और अगले 2 दिन में जो है 9 तारीख से जो है वो सभी लोग जो हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे अध्यापन के लिए। अभी तक शिक्षकों की कमी थी अपने? हाँ, रसायन विज्ञान जैसे विषय के लिए एक शिक्षक की कमी थी, बाकी हमारे पास 13 शिक्षक थे जिनसे अध्यापन कार्य चलाया जा रहा है। सर, हाई स्कूल शुरू हुए, 9वीं से 12वीं तक शालाएं भी लग रही हैं, क्या स्थिति सर अभी? वर्तमान में अभिभावक की जो अनुमति लेके और अभिभावक की सहमति से छात्र छात्राएं विद्यालयों में आ रहे हैं, और उनका अपने कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए अध्यापन कार्य हमारी शालाओं में सुचारू रूप से संचालित है। सर, जैसे शिक्षकों की भारी कमी है सर, अतिथि बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी स्थिति में सर पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा हो? हम लोग उसको अभी चूँकि व्यवस्था करके टीचरों को क्लास देकर इसका समाधान करा रहे हैं,
और जो अतिथि भर्ती के निर्देश अभी चूँकि रुके हुए हैं और इसलिए भर्ती की प्रक्रिया अभी जिले में प्रारंभ नहीं हुई है। सर जैसे मोटा आंकड़ा अगर बात करें तो कितने शिक्षक की कमी होगी सर, अंदाज़ ये चूँकि देखो अभी 57 हमारे जिले में हाई स्कूल है और 57 हाई सेकेंडरी स्कूल है और जो 90 हमारे यहाँ पे ना हाई स्कूल है और इन सभी में चूँकि जिन बच्चों के टीचर नहीं होते उनको हम अतिथि के माध्यम से संचालित कराते हैं। अतिथियों का एक जो बड़ा डाटा है वो जो DPC के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी जो 1 से 8 वाला है। तो इस सत्र में अभी हम लोग जो शिक्षक उपलब्ध हैं उन्हीं से काम करा रहे हैं, नए हम लोग अभी नहीं रख पा रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।